गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 12 में साझेदारी विषय प्रवेश में हम क्वेश्चन नंबर 9 आज करेंगे, बराबर। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम पूंजी से करेंगे। तो पूंजी खाते की जमा बाजू लिखेंगे शेष आगे लाए आस्था का 76,000 और आना का 48,400। इसके बाद रोकड़ खाते की उधार बाजू लिखेंगे, रोकड़ खाता की शेष आपको दिया है तो शेष आगे लाए 16,000, बराबर। चलो इसके बाद समायोजन नंबर 1, सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति के 72,000 रोकड़ लाएगी। तो सबसे पहले पूंजी की रकम लाए उसका रोधनामचा, रोकड़ खाते उधार 80,000, सोनू के पूंजी खाते का 80,000। तो उसकी खतौनी करेंगे, रोकड़ खाते की उधार बाजू सोनू के पूंजी खाते का 80,000 और पूंजी खाता की जमा बाजू सोनू के पूंजी खाते सोनू के खाने में सॉरी नकद खाते सोनू के खाने में 80,000। ओके, आगे और 7200 ख्याति की रकम भी लाता, तो उसका रोधनामचा होता है रोकड़ खाते उधार ख्याति का प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ खाते की उधार बाजू लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाते 7200। आगे नया लाभानी का प्रमाण दिया है 4-3-3। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया। चलो तो पहले हम गिनती में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दिया है, बराबर। पुराना अनुपात समान अनुपात है और नया अनुपात 4-3-3 है। सबसे पहले हम त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। आस्था 1/2 माइनस 4/10, लसप और लेने पर आता है 1/10। आना 1/2 माइनस 3/10, लसप पर लेने पर आता है 2/10। तो त्याग का अनुपात बराबर 1:2। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन किया, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 हुआ। तो नया साझेदार जो सोनू है उसके हिस्से की हम ख्याति ज्ञात करेंगे। तो सोनू के हिस्से की ख्याति बराबर 40,000 × 3/10, तो 12,000। देखो सोनू की ख्याति 12,000 आती है, लेकिन वो ख्याति पेटे रकम लाता है 7200, बराबर। सोनू 7200 रोकड़ में लाता है, मतलब 4800 ख्याति की रोकड़ में नहीं लाता है। तो जो 4800 पहले तो 7200 जो रकम लाता है, बराबर, उसका रोजना जो 7200 जो रोकड़ लाता है, बराबर। तो ये 7200 जो रोकड़ लाता है उसको जो पुराने साझेदार है आस्था और आना वो अपने त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो रोजनामचा होता है ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 7200, आस्था के पूंजी खाते का 2400, आना के पूंजी खाते का 4800, बराबर। चलो तो पूंजी खाते की जमा बाजू सबसे पहले उधार बाजू देखेंगे। हमने लिखा है सोनू के पूंजी खाते उधार नहीं सॉरी ख्याति के प्रीमियम खाते उधार आस्था और आना। तो पूंजी खाते की जमा बाजू ख्याति का प्रीमियम खाते का आस्था के खाने में 2400 और आना के खाने में 4800। इसके बाद जो रकम नहीं लाता है उसका रोधनामचा, तो उसका रोधनामचा है सोनू के पूंजी खाते उधार 4800 और आस्था के पूंजी खाते का 1600, आना के पूंजी खाते का 3200। तो उसकी खतौनी करेंगे, पूंजी खाते की उधार बाजू आस्था के पूंजी खाते का सोनू के खाने में 1600, आना के पूंजी खाते का सोनू के खाने में 3200।
और पूंजी खाते की जमा बाजू सोनू के पूंजी खाते आस्था के खाने में 1600, आना के खाने में 3200। आगे कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर किया। क्वेश्चन में आपको कारीगर मुआवजा दावा 4800 दिया है और यहाँ पे 3200 रखने के लिए बोला है, तो 4800 में से 3200 घटाएंगे तो 1600 आता है, तो 1600 रुपया जो बचता है कारीगर अकस्मात मुआवजा का बराबर, ये हम पुराने लाभानी में पूंजी खाते में लिखेंगे। तो कारीगर मुआवजा भंडोल खाते आस्था का 4800 आना का सॉरी आस्था का 800 आना का 800 और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे कर्मचारी मुआवजा दावा 3200। आगे विनियोग रुपया 19200 में आना ले गया, तो विनियोग है आपका यहाँ पे 20000 बराबर, 20000 विनियोग 20000 है बराबर, तो 20000 है और 19200 में वो ले गए, 19200 में ले गए तो 800 रुपया नुकसान हुआ, 800 रुपया नुकसान हुआ, उसके सामने विनियोग वृद्धि कमी फंड 1600 रुपया, तो और 1600 में से 800 घटाने पर 800 रुपया बचता है, तो वो साझेदारों के बीच बांटेंगे, तो विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते उधार आस्था के खाने में 400, आना के खाने में 400 बराबर। आगे और वो विनियोग आहना ले गई, तो रोजनामच होता है आहना के पूंजी खाते उधार विनियोग खाते का, तो पूंजी खाते की उधार बाजू विनियोग खाते आहना के खाने में 19200। आगे विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी, ब्याज मिलना बाकी है तो फायदा है, तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज खाते 2400 और पक्की तलपट में पूंजी संपत्ति लेना बाजू विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 2400। आगे लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी रुपया 2000 स्वीकृत की है जो बही में नहीं लिखी है। चलो आगे तो उसकी हम एंट्री करेंगे। पूंजी दायित्व बाजू लेनदार लिखेंगे इनर कॉलम 12000 माइनस देनी हुंडी लिखना बाकी है बराबर, तो लिखें माइनस का 2000, आउटर कॉलम 10000। इसके बाद देनी हुंडी की रकम दिया है आपको 6000 प्लस जो नहीं लिखी है वो देनी हुंडी में प्लस करेंगे और लेनदार में से घटेगा, तो देनी हुंडी 2000, आउटर कॉलम 8000। आगे जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% अधिक है। चलो जमीन मकान की कीमत यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है 40000, जो 40000 रुपया दिया है वो अपनी बही कीमत से 20% अधिक है, तो हम उसकी गिनती करेंगे बराबर। चलो माना कि बाजार कीमत 100 रुपया माइनस 20% कम, क्योंकि अधिक दर्शाया है बराबर, तो हमें उसको कम करना पड़ेगा, तो घटाने के बाद आता है 80 रुपया 80 रुपया बही कीमत हो तो मूल की बाजार कीमत 100 रुपया बराबर, तो 40000 हो तो कितना, तो कितना आएगा 50000 बराबर, 50000 है और यहाँ पे 10000 का अंतर आया बराबर, सॉरी कम दर्शाया ना, हाँ तो 10000 अंतर आया, तो लिखेंगे पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू जमीन मकान खाते 10000 और पक्की तलपट में लिखेंगे संपत्ति लेना बाजू जमीन मकान खाते 50000। आगे चुकाए बीमा प्रीमियम 4800 अपने आने वाले वर्ष के हैं बराबर। चलो तो आने वाले वर्ष के मतलब पेशगी चुकाया तो भविष्य में मिलेगा, संपत्ति लेना बाजू पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 4800 बराबर, और पक्की तलपट में
संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 48। ओके, बाकी जो एंट्री है वो देखेंगे अब हम। चलो, कारीगर वाला एंट्री हो गया, विनियोग वाला एंट्री हो गया, प्रोविडेंट फंड तो पक्की दलपट में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 6400। इसके बाद डूबत ऋण अनामत 8000, जैसे वैसे लिख लेंगे। लेनदार और देनी उंडी की एंट्री हो गई। संपत्ति लेना बाजू अब देखेंगे ख्याति। ये पुरानी ख्याति है वो पुराने साझेदारों के बीच उसके पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो रोजनाम चौथा है आस्था के पूंजी खाते उधार 1600, आना के पूंजी खाते उधार 3200 और ख्याति खाते का 4800। मतलब कि पुराने अनुपात में उसको पुरानी ख्याति को अपलिखित करेंगे। तो खतौनी आस्था के पूंजी खाते 100 रकम 4200 और सॉरी ख्याति खाते आस्था के खाने में 4200 और आना के खाने में 4200, टोटल 8400 रकम है, 4800 नहीं है सॉरी। हाँ, आगे जमीन मकान की एंट्री हो गई। चलो, संपत्ति लेना बाजू यंत्र 32000, विनियोग की एंट्री हो गई, देनदार की एंट्री हो गई 25200। इसके बाद यंत्र 32000, देनदार 25200। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक है 14400। चलो, इसके बाद रोकड़ खाता क्लोज करेंगे। तो रोकड़ खाते की उधार बाजू का टोटल है 103200, उसको जमा बाजू ले जाएंगे 103200, घटाने के बाद आता है शेष आगे ले गए 103200। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे रोकड़ 103200। इसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च दिया है, बराबर। तो विज्ञापन अभियान खर्च है वो पूंजी खाते में उधार बाजू तीन दो साझेदारों के बीच उसके पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो विज्ञापन अभियान खर्च 1600 टोटल 3200 दिया है। उसके बाद लाभानि खाता, तो यहाँ पे लाभानि खाता का भी उधार शेष दिया है तो पुराने साझेदारों के बीच बांटेंगे। लाभानि खाता 2000। इसके बाद पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू का टोटल करेंगे। जमा बाजू का टोटल आता है 17200, उधार बाजू ले जाएंगे 17200, उधार बाजू कोई एंट्री नहीं है, बराबर। तो ये लाभ आया आस्था और आना 17200, समान अनुपात है 8600 8600। और उसकी दूसरी एंट्री पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू पुनः मूल्यांकन खाते अथवा तो वितरण पात्र लाभ 8600 8600। इसके बाद टोटल करेंगे, सोनू का टोटल आता है 80000, फिर आस्था का टोटल आता है 89800, आना का टोटल आता है 66200, उसको उधार बाजू ले जाएंगे, उधार बाजू ले जाएंगे, घटाने के बाद आता है शेष आगे ले गए 82000, 39200 और 75200। ये जो है वो पूंजी दायित्व बाजू, सबसे ऊपर लिखेंगे पूंजी आस्था आना और सोनू 82000, 39200 और 75280, टोटल करने के बाद आता है 196400, बराबर। अब दोनों और का टोटल आता है 232000। ओके, अगले पीरियड में और हम क्वेश्चन देखेंगे।